आदर्श आचार संहिता के दौरान हो रहा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का उल्लंघन। जी हां, यहां दृश्य इंद्रानगर भगवानपुरा चौराहे का है, जहां पर शासकीय प्रतीक्षालय और मुद्रालय पर राजनीतिक से जुड़े हुए नेताओं ने अतिक्रमण कर रखा है। कहीं ना कहीं शासकीय सार्वजनिक संपत्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप भी चलता है। इसी प्रकार का दूसरा दृश्य है सब्जी मंडी के बाहर का, जहां नगरपालिका का नाका नंबर 14 के शासकीय कार्यालय को राजनीतिक से जुड़े हुए किराना व्यापारी ने अपना अतिक्रमण स्थल बना रखा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने भी यहां माना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अब देखना यहां है कि आचार संहिता का उल्लंघन होता रहेगा या प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। इंद्रनगर के यहां पर एक नेता है जिन्होंने सार्वजनिक प्रतीक्षालय पर कब्जा कर रखा है और वहां पर गुमटियां बना रखी है, और फिलहाल जो कि आचार संहिता चल रही है और वहां पे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बैठते हैं और चुनावी एक्टिविटीज भी होती हैं। तो ऐसे में जो है नगरपालिका प्रशासन आचार संहिता के दौरान ऐसी मामलों पे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्यों? नहीं, अब ये आज मेरे संज्ञान में आया है और मैं कल दो तीन दिन की छुट्टी है, मैं इनको स्टाफ को लेके बैठता हूँ और इसमें पूरी समीक्षा करने के बाद जितना भी होगा उसे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए। मैं सर माना जा सकता है कहीं ना कहीं ये आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा है इस मामले में? हाँ, हो रहा है। अगर वो शासकीय भूमि है तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा ही एक और मामला है सर, जिसके अंदर एक किराना व्यापारी ने जो है नाका नंबर 14 की दुकान है सब्जी मंडी के यहाँ पर, उस पर कब्जा कर रखा है, अपने किराने का सामान रख रखा है और काफी लंबे समय से कर रखा है, और ये दोनों मामले जो है कहीं ना कहीं नेताओं से जुड़े हुए हैं जिन पे रसूखदारों का मतलब दबाव है। नहीं, इसको भी मैं देखूंगा। वैसे एक मरता ये मेरे जानकारी में आया था, मैंने स्टाफ से कहा था कि इसकी मेरे को डिटेल बना के दो, अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया है और मैं इसके लिए सख्त कार्रवाई करूंगा।